हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और रनिंग शूज़ के बारे में, जिसका नाम है नाइकी फ्री 2019 5.0 रनिंग शूज़। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर और बेनिफिट के बारे में, साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसके ऑनफिट एक्सपीरियंस के बारे में। सो गाइस, शुरू करते हैं विदाउट सी टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है शूज़ का बॉक्स, ऑरेंज कलर का। पीछे की साइड प्राइस और कुछ डिटेल्स मिल जाती है, इंपोर्ट डेट, और सामने की साइज आपको मिल जाता है, साइज़, बारकोड और शूज़ का नेम। कलर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है समिट वाइट, वो वॉल्ट ग्लो ब्लैक, बेसिकली ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ये एक शूज। तो मैं बॉक्स खोल के शूज को बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कलर किस टाइप का है। यहाँ पीछे की साइड पे थोड़ा पर्पल पिंक टाइप का कलर दिया हुआ है। ये एक मेंस एडिशन है, तो अभी मेंस में भी पिंक कलर आने लगे हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो गाइस, शूज़ आप लोग देख सकते हो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का शूज़ है। और बात करें हम पुराने वर्ज़न की, तो नए वर्ज़न और पुराने वर्ज़न में काफ़ी हद तक बहुत कुछ बदल दिया है, पूरा का पूरा शूज़ बदल दिया। इवन इन्होंने जो फ्लैश प्रूफ है इस बार, वो भी कट्स भी पूरे के पूरे चेंज कर दिए हैं। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपर की। तो यहाँ पे अपर जो है स्ट्रेची मैश के साथ साथ सिंथेटिक लेदर दिया गया है, जो कि दिखने में थोड़ा थोड़ा स्वेट लेदर जैसा दिखता है, बट ये स्वेट जैसा दिखता है, आई थिंक ये पूरा का पूरा स्वेट नहीं है। यहाँ पे टेक्सटाइल अपर भी यूज़ किया गया है। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैस है ये काफ़ी स्ट्रेची है, और ये ड्यूल लेयर मैस है। स्ट्रेच करने पे जो इसका इंटरनल कलर है वो बाहर की साइड दिखता है, जो अंदर का कलर है वो ब्लू है। तो ये आप स्ट्रेच करके देख सकते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहता है, जिससे आपको सपोर्ट प्लस ड्यूरेबिलिटी दोनों काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आईलेट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 आईलेट दिए गए हैं, 2 मीडियल और 2 लैटरल साइड पे। बिकॉज ये जो शूज़ है पूरा का पूरा स्लिप ऑन स्टाइल में है, तो आपको लेस का सपोर्ट जो है एक्सटर्नल मिल जाता है, जिससे आपको मिडफुट की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। बात करें हील काउंटर की, तो ये हील काउंटर पूरा का पूरा सॉफ्ट बनाया गया है, जिससे आपके हील को जो है सॉफ्टनेस प्लस ड्यूरेबिलिटी दोनों अच्छी मिल जाती है, शूज़ भी काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल हो जाता है। पीछे की साइड यहाँ पे छोटा सा रिफ्लेक्टर दिया गया है, जो कि आपको लो लाइट कंडीशन में रिफ्लेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सामने की साइड पे देख सकते हो आप, यहाँ पे नाइकी फ्री लिखा हुआ है, और इसका जो हील से लेकर 4 फीट का जो ड्रॉप है वो 6 mm है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है 6 mm। सोल की बात करें तो लाइट वेट फाइलन फॉर्म है, और इस बार फ्लैग स्क्रू काफ़ी डिफरेंट दिए गए, पहले से काफ़ी ज़्यादा डीप, और पहले से ज़्यादा यहाँ पे गैप भी दिया गया है, जिससे वजह से आप जब इस शूज़ को पहनते हो तो आपको फ्लैग स्क्रू फील होता है फिट में, कि आपने जो शूज़ पहना है कहाँ पे फ्लैग स्क्रू डीप दिए गए हैं। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को फ्लैक्स करके भी बता देता हूँ, इसे हम कम्प्लीटली फ्लैक्स कर सकते हैं, आप किसी भी वे में इसे फ्लैक्स कर सकते हो, शूज़ को कुछ नहीं होगा, ड्यूरेबल काफ़ी बढ़िया रहता है। प्राइस की बात करूँ तो ये 8000 की प्राइस में, जो कि आपको किसी भी रिटेल आउटलेट या फिर आप ऑनलाइन इसे कहीं पे भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ ऑनफिट एक्सपीरियंस की। तो पहनने में काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इसको खींच के पहनना पड़ता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपका फिट ज़्यादा वाइड है तो शायद आपको एक साइज़ बड़ी परचेस करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका जो मिड फुट का फिट है वो काफ़ी अडेप्टिव है। तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि अगर आप ये शूज़ परचेस करना चाहते हो तो आपको किस हिसाब से परचेस करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेक्सी।